हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे ठेकुआ। ठेकुआ बिहार में बहुत ही फेमस है और छठ पूजे की टाइम पे ये तो बनता ही है सभी के घरों में। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है, ये तो सभी को बनानी आती है। तो आज एक बहुत ही स्पेशल ठेकुआ बनाएंगे जो कि बहुत क्रिस्पी बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक क्रिस्पी बने रहते हैं। तो चलिए आज इस स्पेशल ठेकुआ की रेसिपी सीख लेते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए पर गुड़, ये मैंने जैगरी लिया है 200 ग्राम्स, यानी कि 200 ग्राम्स जैगरी चाहिए। एक सॉस पैन में इसे ले लेंगे और साथ में हमें चाहिए पानी। जितना हमें गुड़ चाहिए उससे आधा हमें पानी चाहिए। अब इसे मीडियम फ्लेम पर मेल्ट कर लेंगे। साथ में हमें चाहिए गेहूं का आटा, यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। उसमें डाल देंगे सौंफ आधा चम्मच और ये है इलायची का पाउडर आधा चम्मच। साथ में डालेंगे सूजी 4 चम्मच। सूजी ट्रेडिशनली यहाँ पर जाते नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर सूजी डालती हूँ। और फिर डालेंगे कोकोनट यानी कि नारियल। नारियल को मैंने ग्रेट कर लिया है और फिर इसे एकदम लो फ्लेम पर भून लिया है। तो नारियल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लेकिन भुने हुए नारियल का कलर चेंज ना हो इस बात का ध्यान रखें, नारियल सफ़ेदी रहनी चाहिए। अब बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे और ये क्यों ये मैं आपको अभी बताती हूँ। इसमें डाल देंगे घी, यहाँ पर मैंने घी को मेल्ट कर लिया है और ये घी बहुत गर्म है। तो घी को डब्बे से सीधा निकाल कर इसमें ना डालें, घी को एक कटोरी में ले, उसे पूरी तरह से गर्म होने दें और एकदम गर्मा गर्म घी इसके अंदर डालें, तभी ये ठेकुआ जो है वो एकदम से क्रिस्पी बनती है। ठंडा ठंडा घी या फिर तेल आप यहाँ पर डाल देंगे तो वो बनने के बाद बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहते हैं। तो इसमें 2 प्रोसेस है, एक तो गर्म घी इसमें डालना होता है और ऊपर से थोड़ी सी सूजी इसमें डालनी होती है, तभी ये ठेकुआ बहुत क्रिस्पी बने रहते हैं। तो ये काफ़ी गर्म है और इसे चम्मच की मदद से मिला दें। फिर इसमें डाल देंगे काजू जिनको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसको हाथ से मिला देंगे। वैसे भी ये अभी भी काफ़ी गर्म है लेकिन छूने लायक हो चुके हैं, तो मैं इसे हाथ से बहुत अच्छी तरह से इस तरह से मसल मसल के मिला दूंगी ताकि जो घी हमने डाले हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे चीज़ों पर। अब इसे एक बड़े से बर्तन में मैंने निकाल लिया है और फिर इसमें डालेंगे गुड़ की चाशनी, पर इसे एक ही बार में ना डालें, थोड़े थोड़े करते हुए इसमें डालें और इसे मिक्स करते जाएं। एक ही बार में बहुत ज़्यादा चाशनी आप इसमें डाल देंगे तो ये एकदम से सॉफ्ट आटे जो हम रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं वैसे बन जाएंगे, लेकिन हमें इसे एक हार्ड डो बनानी है ताकि ये जो डो बन जाने के बाद भी इसमें क्रैक रहे, इतना हार्ड डो हमें चाहिए। तो थोड़े थोड़े चाशनी डालते हुए इसे इस तरह से मसलते हुए डो बना लेंगे ताकि इसमें क्रैक्स रहे। और ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि ठेकुआ बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनती है, तो गुड़ अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब इसमें से थोड़े थोड़े पोर्शन निकालेंगे, मैंने यहाँ पर मीडियम पोर्शन निकाल लिया है और इसे हाथ की मदद से पहले गोल कर देंगे और फिर उसे थोड़ी सी चपटा बना लेंगे इस तरह से। अब इसे शेप देने के लिए इस तरह का छन्नी का इस्तेमाल करेंगे। वैसे इसके लिए अलग से शेप मिलते हैं बाज़ार में लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं छन्नी का ही इस्तेमाल करती हूँ। और पीछे इस तरह से दबाते हुए इसको निकाल लेंगे तो ये देखिए कितने सुंदर तरीके से ये शेप बन के तैयार हो गए हैं। तो सेम प्रोसेस में बाकी जो बचे हुए डो हैं उनमें से ठेकुआ बना लेंगे इस तरह से। अभी तेल गर्म हो चुके हैं ये देखने के लिए थोड़ी सी पोर्शन इसमें डाल देंगे, छोटे से बॉल, इसमें बबल्स आने लगे तो ये तेल परफेक्ट गर्म है। पर तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और एकदम ठंडा भी ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। ठेकुआ डालने के बाद गैस का फ्लेम एकदम लो कर दें और लो फ्लेम में ही इसे धीरे धीरे तल लें। तो एक साइड बन जाने के बाद इसे पलटे नहीं तो ये टूट सकते हैं।
तो यहाँ पर एक साइड मुझे लगता है कि हो चुकी है, तो एक चम्मच की मदद से इसे पलट देंगे और दूसरी साइड्स को भी सेम प्रोसेस में फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई या मीडियम ना रखें, एकदम लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई कर लें। तो ये हो चुके हैं, अब एक एक करके इसको तेल में से निकाल लेंगे। किनारे पे इस तरह से लगाते हुए एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसे निकाल लेंगे। और फिर ये देखिए, क्रिस्पी ठेकुआ एकदम से तैयार है। इसे घर पर रखिए और कम से कम 15 दिनों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो, इसका क्रिस्पीनेस कम नहीं होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और बनाने के बाद मुझे बताइए कि ये कैसी बनी है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। और ये रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं।